तो अब हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल आप ये समझ सकते हो कि एक नाम होता है जो हम लोग कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मैथ में आप एलजेब्रा में यूज करते होंगे कि एक्स इक्वल टू टू, तो अब जहां पे भी आप एक्स यूज करोगे उसका मतलब क्या होगा कि टू है, राइट। उसी तरीके से मैथ की तरफ से प्रोग्रामिंग में भी हम डेटा को एक नाम दे देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ किचन का। जैसे मान लो कि आपको अपना किचन में कोई खाना बनाना है, लेकिन किचन में कोई भी सामान नहीं है, आपको पूरे तरीके से स्टार्टिंग से सेटअप करना है अपने किचन को, तो आप क्या करोगे, बहुत सारे जार खरीद के लाओगे, कंटेनर खरीदोगे, जिसमें आप डेली यूज होने वाला मसाला या फिर ग्रेन्स को, आप अनाज को रखोगे उसमें, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो पिक्चर में, ऐसे ही होता है सबके घर में। तो जो बार बार चीजें यूज होती है किचन में, उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक कंटेनर में स्टोर कर लेते हैं। तो उसी तरीके से वेरिएबल्स है जो कंटेनर है, उसमें हम लोग क्या स्टोर करते हैं, वैसे डेटा को स्टोर करते हैं जिसको हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे बार बार। जैसे किचन में जो मसाला या ग्रेन्स बार बार यूज होता है, उसको हम लोग कंटेनर में स्टोर करके रख लेते हैं। उसी तरीके से जो भी डेटा हम लोगों को अपने प्रोग्राम में जरूरत पड़ेगा, उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। वेरिएबल क्या है, एक नाम है, बिल्कुल एलजेब्रा की तरह होता है। जैसे एक्स इक्वल टू टू हम लोग देते हैं, तो जहां पे भी अब एक्स यूज करेंगे उसका वैल्यू क्या होगा, टू होगा, और उसका वैल्यू बदलता भी रहेगा जैसे जैसे उस पर ऑपरेशन होते रहेंगे, राइट। इसीलिए उसका नाम वेरिएबल है, क्योंकि वो चेंज होता है। ये देखो, ये है एग्जाम्पल। जो ग्रीन में लिखा हुआ है वो है सिंटेक्स, जो हम लोग आगे अभी आगे चल के देखेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अभी आपको मैंने इससे पहले डेटा टाइप पढ़ाया था कि कोई भी डेटा का एक टाइप होता है, कि वो किस टाइप का डेटा है, तो वही चीज हमें पहले यहां पे बताना होता है। जैसे देखो, हमने यहां पे स्टार्टिंग में लिखा है इंट, मैंने आपको बताया था इंट का मतलब क्या होता है, इंटीजर। तो हम ये कंप्यूटर को बता रहे हैं कि हम जो वेरिएबल बनाने वाले हैं वो इंटीजर वैल्यू के लिए है, ठीक है। तो जैसे ही कंप्यूटर ने इंट देखा, वो समझ गया कि अभी जो वेरिएबल आप आगे बनाने जा रहे हो वो इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। उसके आगे हमने एक नाम दिया, एज, ये है वेरिएबल का नाम, ठीक है। उस जो इंट था वो है डेटा टाइप, किस टाइप का डेटा है ये बता रहे हैं। उसके बाद हम एक नाम दे रहे हैं वेरिएबल का, ठीक है। अब जैसे दुनिया में कोई भी एक नया चीज या नया बच्चा आता है तो आप उसको एक नाम देते हो, ठीक है, या आपने कोई नया प्रोडक्ट ही बनाया तो उसको एक नाम देते हो ना। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे अपने प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक नया वेरिएबल बना रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं, तो उसको नाम देंगे, तो वही है वेरिएबल का नाम। तो हमने यहाँ पे नाम दिया एज, और उसके बाद उसको इक्वल टू करके उसका वैल्यू डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे 20 है, तो अब जब भी हम एज को यूज करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 20 ऑटोमेटिक आएगा, राइट। इसको और भी अच्छे से अभी हम लोग आगे देखेंगे, एग्जाम्पल बताने के लिए मैंने अभी आपको सिंटेक्स बता दिया है। अब देखो, जो वेरिएबल का आप नाम दोगे उसको कुछ रूल होते हैं, ठीक है, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे जो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि एक वेरिएबल के नाम में तीन तरह की चीजें हो सकती हैं, लेटर हो सकता है ABCD, डिजिट हो सकता है 1 2 3 4, या फिर अंडर स्कोर हो सकता है। इन तीन चीजों के अलावा और कुछ नहीं होगा। हाँ, लेटर में अपर केस और लोअर केस दोनों होगा, बट दोनों को अलग माना जाएगा। इसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको आगे चल के दूंगा, बस अभी आपको फिलहाल इतना याद रखना है कि एक वेरिएबल के नेम में लेटर हो सकता है, डिजिट हो सकता है और अंडर स्कोर हो सकता है, इसके अलावा कोई भी चीज नहीं हो सकता। दूसरा, जैसे सिंबल वगैरह होता है ना, प्लस माइनस एट द रेट, ठीक है, हैश पाउंड, ये सब सिंबल काम नहीं करेगा। दूसरा चीज होता है कि जो उसका पहला लेटर होना चाहिए वेरिएबल का, वो या तो अंडर स्कोर से स्टार्ट होगा या लेटर से स्टार्ट होगा, कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। तीसरा चीज, व्हाइट स्पेस अलाउड नहीं है। व्हाइट स्पेस का मतलब जो आप बीच में स्पेस देते हो, जैसे मान लो आप वेरिएबल का नाम रखना चाहते हो विश्वजीत कुमार, तो विश्वजीत और कुमार के बीच में आप व्हाइट स्पेस नहीं दे सकते हो, ठीक है, अगर आपने ऐसा दिया तो वो इनवैलिड हो जाएगा। और चौथा जो है वो है कि वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों को लगेगा कि कीवर्ड है क्या, तो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि कीवर्ड क्या होता है, बस अभी आपको इतना याद रखना है कि आपका वेरिएबल का नेम कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अब देखो, अभी जो मैं बात कर रहा था कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखो, अगर आपने टोटल इस तरीके से लिखा है कि पहला लेटर टी कैपिटल है और बाकी स्मॉल है, तो वो जो टोटल आप जो अभी जो नेक्स्ट दो टोटल देख रहे हो, एक पूरा स्मॉल है एक पूरा कैपिटल है, तो ये तीनों अलग अलग है,
ये देखो मैंने टोटल को लिखने का तीन अलग अलग स्टाइल दिया है, ठीक है। एक में से पहला लेटर कैपिटल है, एक में सारे लेटर स्मॉल है, एक में सारे लेटर कैपिटल है। तो ये दोनों तीनों जो टोटल है ये अलग अलग वेरिएबल माना जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सी जो है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब कि अगर आपने अपर केस लिखा है तो वो आप जब उसको कॉल करोगे तो अपर केस में ही करोगे, अपर केस और लोअर केस को मिक्स नहीं करना है, वो दोनों अलग अलग माना जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये तीनों जो टोटल दिख रहा है आपको, ये अलग अलग वेरिएबल माना जाएगा, ये सेम वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना है कि सी केस सेंसेटिव होता है। दूसरा दूसरा देखो जरूरी नहीं है लेकिन ये एक टिप है। बहुत लोग क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं ए बी सी डी, ठीक है, या इंट वन इंट या नंबर वन नंबर टू। लेकिन आप जब एक अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो आपको हमेशा जो वेरिएबल का नाम है वो मीनिंगफुल देना है। अब आप बोलोगे मीनिंगफुल मतलब क्या, जब भी आपको प्रोग्राम बनाते हो तो आप क्या करते हो, आप कोई यूटिलिटी चीज बना रहे हो जो दुनिया में काम आएगा। जैसे आपको बैंकिंग सिस्टम का प्रोग्राम बना रहे हो, बैंक का आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो उसमें कोई भी चीज ए बी सी डी को डिनोट नहीं करेगा। अगर आप किसी का बैंक अकाउंट का नंबर सेव करवाना चाहते हो तो आप उस वेरिएबल का नाम दो अकाउंट नंबर, ठीक है। आप मान लो उस कस्टमर का नेम रिकॉर्ड करना चाहते हो तो उस जो वेरिएबल है उसका नाम या तो नेम रखो या कस्टमर नेम रखो। बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारे नेम हो सकते हैं, एम्प्लॉय का भी नाम हो सकता है और कस्टमर का भी नाम हो सकता है। तो आपका जो वेरिएबल है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बताना चाहिए कि इस वेरिएबल में आप क्या स्टोर करने वाले हो। ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये नहीं। देखो करोगे तो भी चलेगा बट करना नहीं होता, करना आपको ऐसे होता है कि देख के पता चल जाए कि इसमें क्या डेटा स्टोर होने वाला है। जैसे मान लो आप इम्प्लॉय का नाम सेव करवाना चाहते हो तो आपका वेरिएबल का नाम होना चाहिए इम्प्लॉय नेम, ठीक है। अब आप सोचोगे कि इम्प्लॉय नेम दो वर्ड का है तो बीच में स्पेस तो आएगा, ये अभी मैंने मना किया। तो उसका ये तरीका होता है कि आप स्पेस ना दो और उसके बीच में अंडर स्कोर दे दो, ठीक है। वो अभी आगे मैं आपको दिखा दूंगा। तो कोशिश आपको ये करनी है कि मीनिंगफुल नाम देना है, ठीक है। अभी जब मैं आपको समझा रहा हूंगा तो उतना मीनिंगफुल नाम नहीं दूंगा, क्यों, क्योंकि वो कोई प्रोग्राम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे बड़े बड़े तो उसमें आपको मीनिंगफुल नाम देना है। जैसे अभी मैं अगर आपको दो नंबर ऐड करके दिखाऊं तो उसका तो यही होगा ना कि एक वेरिएबल का नाम रहेगा नंबर वन, एक वेरिएबल का नाम रहेगा नंबर टू। बट जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे तो उसमें मीनिंगफुल नाम होना चाहिए, जो डेटा स्टोर होगा वही रहना चाहिए। अब देखो अब बात करते हैं कीवर्ड। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आपका चौथा पॉइंट देखो कि वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए आपका वेरिएबल का नाम। अब कीवर्ड क्या होता है ये समझते हैं। तो देखो कीवर्ड क्या है कि एक प्री डिफाइंड वर्ड है या उसको आप रिजर्व वर्ड कह सकते हो प्रोग्रामिंग में, जो कि कंपाइलर में उसका एक खास मीनिंग है। मतलब अगर आपको मैं उसका एग्जाम्पल दिखाना चाहूँ, पहले आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ उसके बाद एग्जैक्टली एक्सप्लेन करूंगा मैं रियल लाइफ वर्ल्ड से। देखो ये सारे कीवर्ड्स हैं, इससे ज्यादा भी होते हैं बट ये सारे कीवर्ड्स हैं, इनका एक खास मीनिंग है। जैसे देखो यहाँ पे देखो इंट जो है, इंट का एक खास मीनिंग है ना। इंट का मतलब क्या होता है कि आप एक इंटीजर टाइप का डेटा को ये कर रहे हो, ठीक है। अभी तक आपने ये देखा, बाकी कुछ भी नहीं देखा तो आपको पता नहीं चल रहा। इंट हो गया, फ्लोट हो गया, ये दोनों तो आपने देख लिया, इंट और फ्लोट, और कैर भी देखा। ये देखो यहाँ पे कैर है तो इसको भी आप लोगों ने देखा। तो ये एक खास मीनिंग को डिनोट करता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि अपने वेरिएबल का नाम इंट रख लिया या अपने वेरिएबल का नाम कैर रख लिया या फ्लोट रख लिया, ऐसा नहीं करना है। अब बात करते हैं कि कीवर्ड होता क्या है। देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका नाम ऑलरेडी डिफाइंड है दुनिया में, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका नाम आप रखते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आम का पेड़ है उसको आप आम का पेड़ ही बोलोगे ना, वो पहले से डिफाइंड है, ठीक है। जब दुनिया बना तो उसका नाम रख दिया गया कि ये आम का पेड़ है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ठीक है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। और आप अपने बच्चे का नाम कुत्ता या बिल्ली या आम का पेड़ नहीं रख सकते हो। अगर आप ऐसा रखोगे तो क्या होगा, रखने का आप रख सकते हो, बट अगर आप ऐसा रखते हो तो लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा। आप कहोगे कि कुत्ता आया तो अब कौन जानेगा कि आपका बच्चा आया कि कुत्ता आया, देखो कितना कंफ्यूजन है, राइट। तो इसीलिए प्रोग्रामिंग में ये कंफ्यूजन ना हो तो यहां पे भी कुछ चीजें पहले से डिफाइंड है। जैसे रियल जिंदगी में होता है ना कि हर चीज डिफाइंड होता है, जो भी एक नया चीज आता है उसका एक नाम दिया जाता है, वो नाम आप दे सकते हो, लेकिन आप वो नाम नहीं दोगे जो ऑलरेडी किसी को मिला हुआ है, वरना कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये कंफ्यूजन प्रोग्रामिंग में ना हो इसलिए जो रिजर्व्ड कीवर्ड है, जो सी प्रोग्रामिंग का कंपाइलर यूज करता है कीवर्ड, उसको बोलते हैं हम लोग कीवर्ड्स। जो वर्ड सी प्रोग्राम यूज करता है जो नाम, उसको आपको यूज करना मना होता है। तो उसमें से कुछ एग्जाम्पल लिस्ट ये रहा।
और भी अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा पूरा लिस्ट। तो कीवर्ड क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ रिजर्व कीवर्ड होते हैं, कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जिसका एक खास मीनिंग होता है कंपाइलर के नजर में, वो वर्ड हम लोग यूज नहीं करेंगे। अभी तक जो आपने देखा है वो है इंट, कैर या फिर फ्लोट, राइट, ये सब हम लोग यूज नहीं करेंगे। अब बात करते हैं आइडेंटिफायर, कीवर्ड बात कर रहे हैं तो एक और टर्म बता देता हूं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है, कीवर्ड तो वो होता है जो सी कंपाइलर में ऑलरेडी डिफाइंड है और आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। आइडेंटिफायर वो होता है जो आप अपने चीजों का नाम डालते हो, जैसे अभी हम लोग वेरिएबल बनाना सीख रहे हैं, आगे फंक्शन, एरे, स्ट्रक्चर ये सब बनाना सीखेंगे, तो अभी हम लोग वेरिएबल पे ही बात करते हैं। तो वेरिएबल का नाम आप डिफाइन कर सकते हो, तो जिस चीज का नाम आप दोगे उसको आइडेंटिफायर कहेंगे और जिस चीज का नाम ऑलरेडी डिफाइंड है सी प्रोग्राम में उसको कीवर्ड कहेंगे। ठीक है, मतलब जो चीज पहले से डिफाइंड है वो कीवर्ड, जो जिस चीज का नाम आप दोगे वो हो गया आइडेंटिफायर, मतलब वेरिएबल का नाम हो जाता है आइडेंटिफायर, फंक्शन का नाम आइडेंटिफायर हो सकता है। ठीक है, तो शॉर्टकट यही है, जो आपने दिया नाम वो आइडेंटिफायर हो गया, जो पहले से नाम दिया हुआ है वो कीवर्ड हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि जो आइडेंटिफायर है मतलब वेरिएबल का नेम है वो वैलिड किस किस तरीके से हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, ये जो रेड में है ना, जो ऑरेंज और रेड आप कुछ भी कह सकते हो, वो हमने एग्जांपल दिया और बताया कि वो वैलिड क्यों है। तो देखो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल का नाम लेंथ दे सकते हैं, ठीक है, लेंथ दिया क्योंकि इसमें देखो बस लेट वो यूज हुआ, अल्फाबेट यूज हुआ लोअर केस का, तो ठीक है। दूसरा देखो मेरे पास क्या था, दो वर्ड था टोटल और सम, तो इसको जोड़ने के लिए हमने क्या किया, अंडरस्कोर यूज किया, अंडरस्कोर वैलिड है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास क्या हुआ, लेटर यूज हुआ और अंडरस्कोर यूज हुआ, तो ये भी वैलिड है। उसके बाद आप देख सकते हो इसका स्टार्ट जो है वो अंडरस्कोर से हो रहा है, तो ये भी वैलिड है। मैंने बताया ना कि स्टार्ट नंबर से नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर और लेटर से हो सकता है। तो देखो अंडरस्कोर साइज दिया तो ये भी वैलिड वेरिएबल का नाम है। या फिर आप नम यू वन यूज कर सकते हो, लेटर और डिजिट वो भी वैलिड है। तो ये जो चार तरीका मैंने एग्जाम्पल दिया ये वैलिड क्या है, वेरिएबल का नाम है। और देखो हर जो नाम है वो कुछ ना कुछ बता रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे पहला लेंथ दिया तो ये पता चल रहा है कि अभी इस वेरिएबल में जो हम स्टोर करने वाले हो किसी चीज का लेंथ है। दूसरा टोटल सम, तो ये दूसरा क्या बता रहा है कि इसमें हम लोग कुछ चीजों को जोड़ के रखने वाले। तीसरा साइज बता रहा है। चौथा नम वन, मतलब एक नंबर वन बता रहे हैं, दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम रहेगा तो आप इसी तरीके से स्टोर करोगे नम वन नम टू। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस टाइप का सी का वेरिएबल का नाम नहीं होना चाहिए, इनवैलिड है। देखो पहला हमने क्या किया, डिजिट से स्टार्ट किया, तो मैंने क्या बताया था कि डिजिट से या डिजिट या नंबर कुछ भी बोलो, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। यहां पे हमने फाइव साइज किया, ये इनवैलिड है। दूसरे वाले में देखो हमने स्पेशल कैरेक्टर यूज किया है, स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ अंडरस्कोर यूज हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी यूज नहीं होगा। तीसरा क्या है, तीसरा हमने कीवर्ड यूज कर लिया, वेरिएबल का नाम कभी भी कीवर्ड यूज नहीं करना है, जैसे यहाँ पे इंट यूज किया है। चौथे में क्या गलती है, इसमें एम और एन के बीच में स्पेस यूज किया है, स्पेस काम नहीं करेगा। पांचवा हमने गलती क्या किया है कि फिर से प्लस का साइन यूज कर लिया है, ये भी हमें नहीं करना है, साइन और सिंबल में सिर्फ अंडरस्कोर यूज होगा, राइट। तो ये सारे हैं इनवैलिड तरीका सी का वेरिएबल का नाम रखने का। अब यहाँ पे आप फिर से, ये मैंने आपको पहले बताया था, इंटीजर को हम लोग इंट रखेंगे, इंट से डिनोट करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को फ्लोट से, कैरेक्टर को कैर से, सी एच ए आर। ठीक है, ये मैं अभी आपको फिर से मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि अभी हम लोग ये तीनों चीजों को यूज करने वाले हैं, इंट फ्लोट कैर। तो जहां पे इंट लिखेंगे उसका मतलब होगा इंटीजर, जहां पे फ्लोट लिखेंगे उसका मतलब होगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जहां पे कैर लिखेंगे उसका मतलब होगा कैरेक्टर। इंट मतलब बिना डेसिमल वाला नंबर, फ्लोट मतलब डेसिमल वाला नंबर, कैरेक्टर मतलब जो अल्फाबेट होता है ए बी सी डी, ठीक है, वो हो गया कैरेक्टर। तो अब हम लोग प्रोग्राम में देखते हैं कि किस तरीके से वेरिएबल बनाया जाता है, राइट। तो ये तो आपको बेसिक आपको पहले बताया था कि सिंटेक्स होता है, ये हमेशा stdio.h ऊपर रहेगा ही, मेन से स्टार्ट होगा, कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज होगा और उसके बीच में हम लोग कुछ भी लिखेंगे। तो अभी हम लोग इसको ब्लैंक कर देते हैं और यहाँ पे कमेंट करते हैं। कमेंट क्या करते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि हम लोग प्रोग्राम को बता रहे हैं कि हम लोग एक वेरिएबल यूज करने वाले हैं, ठीक है, तो वो वेरिएबल प्रोग्राम बना ले, ठीक है, उतना स्पेस ऑक्यूपाई कर ले, उतना स्पेस रिजर्व कर ले।
तो डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन में क्या होता है कि हम लोग पहली बार प्रोग्राम को बताते हैं कि फलाना नाम का वेरिएबल हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। तो एक तरह से हम लोग प्रोग्राम को इंडिकेट कर रहे हैं कि देख लो इतने वेरिएबल यूज करने वाले हैं, इसके लिए रेडी रहो, उसी को बोलते हैं डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन जो है वो हमेशा ऊपर ही यूज होगा, ठीक है, हमेशा जो सबसे ऊपर हम लोग यही काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक रिस्ट्रिक्शन है कि जहां पे आप वेरिएबल को यूज करने वाले हो उससे पहले उसको आपको डिक्लेयर करना होता है। डिक्लेयर करना होता है मतलब प्रोग्राम को बताना पड़ता है कि इस नाम का वेरिएबल हम लोग यूज करने वाले हैं। तो इसीलिए हम लोग डिक्लेरेशन जो वेरिएबल का होता है वो स्टार्टिंग में ही करते हैं। तो आपको यहां पे याद रखने वाली पॉइंट ये है कि जहां पे आप वेरिएबल यूज करने वाले हो उससे पहले वो डिक्लेयर होना चाहिए। डिक्लेयर क्या होता है? बताना होता है प्रोग्राम को कि हम इस नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं। तो आप वेरिएबल बनाते कैसे वो देखो, डिक्लेयर कैसे करते हैं। मान लो मुझे यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है, तो हम लोग प्रोग्राम को क्या बताएंगे कि इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है। तो इंटीजर को क्या डिनोट करते हैं? इंट से, INT। इससे प्रोग्राम हमारा समझ गया कि इंटीजर वेरिएबल स्टोर होने वाला है। अब हमें नाम देना होता है, ठीक है, तो वेरिएबल का नाम देना होता है। तो मान लो यहाँ पे हम लोग काउंट कर रहे हैं कुछ, तो हम लोग उसका नाम दे देते हैं काउंट, ठीक है, और सेमी कॉलन से बंद कर दो। कोई भी स्टेटमेंट जो भी हम लोग सी प्रोग्राम में लिखेंगे उसको क्या करेंगे? सेमी कॉलन से बंद करेंगे। सेमी कॉलन इक्वल टू ये सेंटेंस या ये स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। ये मैंने आपको पहले बता दिया था, जैसे फुल स्टॉप होता है इंग्लिश में, उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास सेमी कॉलन होता है एक स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इंट काउंट। इंट काउंट अब इतने लिख देने से क्या हो गया, कंप्यूटर क्या जानेगा कि काउंट नाम का एक वेरिएबल है जिसमें इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है। तो अब वो क्या करेगा, कंप्यूटर काउंट नाम का एक वेरिएबल बना लेगा और उसको इंटीजर जितना स्पेस लेता है उतना स्पेस रिजर्व करके दे देगा आपके रैम में से, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। अब देखो, अब ऐसा तो है नहीं एक प्रोग्राम में हम लोग एक ही वेरिएबल यूज करेंगे, 100 वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। तो आप कहोगे कि फिर 100 लाइन तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा? नहीं, एक ही लाइन में आप मल्टीपल वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे मान लो कि मुझे 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का जरूरत है, मतलब जो 2 डेसिमल नंबर का जरूरत है अपने प्रोग्राम में, तो उसको कैसे लिखेंगे? डेसिमल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं? फ्लोट से, FLOAT, फ्लोट, ठीक है। अब पहला वेरिएबल का नाम मान लो हमारा है नंबर और दूसरा वेरिएबल का नाम हमारा है टोटल, तो नंबर के बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉमा देंगे और लिख देंगे टोटल। मान लो तीसरा भी है हमारे पास, कुछ और भी हो सकता है जैसे कि सम, ठीक है, और यहां पे दे देते हैं सेमी कॉलन। तो इससे क्या पता चलता है कि इससे हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, 3 वेरिएबल बना लिया। कौन कौन सा वेरिएबल बनाया? पहला वेरिएबल का नाम है नंबर, दूसरा वेरिएबल का नाम है टोटल, तीसरा वेरिएबल का नाम है सम। और ये तीनों कैसा वैल्यू स्टोर करेगा? फ्लोटिंग नंबर स्टोर करेगा, फ्लोटिंग मतलब डेसिमल वाला नंबर स्टोर करेगा, ठीक है। तो ये जो 3 वेरिएबल है हमने एक ही लाइन में डिक्लेयर कर दिया। इसी तरीके से आप मल्टीपल भी डिक्लेयर कर सकते हो। बस हाँ, यही चीज याद रखना है कि एक लाइन में एक ही तरह का डेटा टाइप डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। तो फ्लोटिंग वाले का एक जगह पे कर दो, इंट वाले का एक जगह पे कर सकते हो और कैरेक्टर वाला अलग से कर सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे करके नंबर बचा सकते हो, नंबर ऑफ लाइन कम कर सकते हो। अब मैं तीसरा भी बता देता हूं आपको। तीसरा क्या था, हमने क्या बताया था, कैरेक्टर स्टोर करने का, ABCD, इसको कैसे स्टोर करते हैं? तो उसके लिए CHAR कैर लिखते हैं और उसके बाद आप कुछ भी नाम दे सकते हो। जैसे मैं यहां पे दे सकता हूं ऑप्शन, ठीक है, ABCD में क्या ऑप्शन के तौर पे ही स्टोर कर सकते हैं ना, OPTION, ऑप्शन। तो इससे क्या पता चला कंप्यूटर को कि ऑप्शन नाम का एक वेरिएबल बनाओ जिसमें हम लोग कैरेक्टर को स्टोर करेंगे। तो अब कंप्यूटर इसको देखते हैं क्या करेगा, ऑप्शन नाम का एक वेरिएबल बना देगा और कैरेक्टर जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको वो रिजर्व करके आपके रैम में से दे देगा, ठीक है। तो यहां पे हमने इसी को बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, मतलब जहां पे हम वेरिएबल को बना रहे हैं, यूज तो आगे जाके करेंगे, यहां पे हमने वेरिएबल को बनाया है, कंप्यूटर को बताया है कि भाई वेरिएबल ऐसा ऐसा बना दो ये चीज स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो 2 काम करना होता है, पहले मेरे को बताना होता है कि कौन सा डेटा टाइप होगा और उसके बाद उसका नाम देना होता है और सेमी कॉलन से बंद कर देना होता है, बस। ये हमारा हो गया डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। अब हम लोग बात करते हैं असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल। अब वेरिएबल बनाया तो उसको कोई वैल्यू तो देंगे ना। तो अब यहां पे मान लो हम लोग लिख देते हैं, मैं क्या करता हूं कि
कमेंट कर देता हूँ, जी एन आई एन असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमने वेरिएबल बना तो लिया है, उसमें कुछ स्टोर करेंगे, ठीक है, उसी को बोलते हैं असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल। मतलब जो वेरिएबल बनाया है उसको कोई वैल्यू असाइन करो, उसमें कुछ वैल्यू स्टोर करो। अब वेरिएबल बनाया है तो कुछ स्टोर करने के लिए बनाया होगा, और इसको हम लोग एक चीज और बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। मतलब पहली बार वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करना, उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो वो भी मैं यहां पे कमेंट में लिख देता हूं। अब ये कैसे करेंगे, इसको करने का बड़ा आसान तरीका है, आप वेरिएबल का नाम लिखो, नाम हम लोग काउंट लिख देते हैं, और इसको एक वैल्यू असाइन करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू डालते हैं और यहाँ पे एक वैल्यू लिख देते हैं, मान लो 100 दे दिया, सेमी कॉलन बंद, कोई भी स्टेटमेंट के बाद सेमी कॉलन लगेगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि काउंट को एक वैल्यू दिया है 100। अब इसी तरीके से जो हमारा टोटल है जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे देखो टोटल दिया, टोटल इक्वल टू 10.2, ठीक है। तो हमने क्या किया, टोटल नाम का जो हमारा वेरिएबल था उसमें हमने एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डेसिमल वाला नंबर स्टोर कर दिया, और सेम उसी तरीके से जो हमारा कैरेक्टर वेरिएबल है ऑप्शन, उसको भी हम लोग इक्वल टू करके और एक कैरेक्टर दे सकते हैं, लेटर दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, हमें कोटेशन मार्क लेना होगा। तो मैंने ओपन किया कोटेशन मार्क, एंड किया, और वहां पे एक कैरेक्टर दे देते हैं और सेमी कॉलन से क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एक इंटीजर वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, मतलब एक वैल्यू असाइन किया, एक फ्लोटिंग पॉइंट जो वेरिएबल है उसको एक वैल्यू असाइन किया, एक कैरेक्टर वेरिएबल है उसको भी एक वैल्यू असाइन कर दिया। तो अब जहां पे भी हम लोग काउंट बोलेंगे उसका मतलब क्या होगा कि 100 वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, या जहां पे टोटल बोलेंगे उसका मतलब क्या होगा 10.2, जहां पे ऑप्शन बोलेंगे उसका मतलब होगा ए। बस एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि काउंट का जो वैल्यू है वो चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि काउंट का वैल्यू हमने 100 लिखा है तो ये 100 ही रहेगा, ये चेंज होगा। अगर इसमें हमने काउंट प्लस 2 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा। जैसे यहां पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं इतना करने के बाद, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 2। अब इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे काउंट का वैल्यू हो जाएगा 102। देखो यहां पे हमने क्या बताया कि काउंट जो है उसको क्या करो कि काउंट जो अभी है, यहां पे देखना है ये काउंट प्लस टू मतलब क्या हुआ, काउंट जहां भी हम लिखेंगे उसका मतलब होगा 100, और 100 में प्लस 2 किया तो हो गया 102, और उसको फिर से हमने स्टोर कहां करा दिया, काउंट वाले वेरिएबल में, ठीक है। तो जो भी हम वेरिएबल बनाएंगे इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियलाइज करने का मतलब क्या होता है कि पहली बार कोई वैल्यू को असाइन करना, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका वैल्यू हमेशा वही रहेगा, उसका वैल्यू कभी भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो काउंट का यहां पे मैंने आपको चेंज करके दिखाया, उसी तरीके से आपको अगर ऑप्शन का वैल्यू बाद में चेंज करना है तो आप यहां पे चेंज कर सकते हो, ऐसे ऑप्शन इक्वल टू और अब इसको बी कर दो, ये देखो तो क्या हो जाएगा, यहां पे ऑप्शन का वैल्यू चेंज हो गया, जब हमने इनिशियलाइज किया था तो इसका वैल्यू था ए और अब हो गया बी, ठीक है। तो वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये मत सोचना कि अब वैल्यू फिक्स हो गया, जो फिक्स होता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। वेरिएबल का मतलब ये है कि वैल्यू बदलते रहेगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गया, अब एक काम और, डिक्लेरेशन और असाइनमेंट, मतलब डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों साथ में भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग डिक्लेरेशन अलग जगह पे करेंगे और इनिशियलाइजेशन अलग जगह पे, दोनों हम लोग साथ में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो उसको आपको क्या लिखना है, मान लो हमें एक इंटीजर वेरिएबल बनाना है और उसका वैल्यू है 50, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले इंट, मतलब बता रहे हैं कि इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कराने वाले हैं, वेरिएबल का एक नाम देंगे, मान लो यहाँ पे देते हैं फाइनल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंडरस्कोर यूज करेंगे, क्योंकि दो वर्ड है तो फाइनल और वैल्यू दोनों अलग अलग हो गया। तो हमने पहले क्या बताया कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाने वाले हैं जिसमें इंटीजर स्टोर करेंगे, उसका नाम दिया है फाइनल वैल्यू, ठीक है। और जब हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे डिक्लेरेशन करते थे तो यहीं पे सेमी कॉलन क्लोज कर देते थे, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन साथ में कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें वैल्यू भी असाइन साथ में कर देंगे। कैसे करेंगे, इक्वल टू देंगे और यहाँ पे 50 दे देंगे।
तो ये हो गया आपका डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों साथ में, मतलब यहां पे हमने एक वेरिएबल बनाया भी और उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर भी करवा दिया। पहले क्या कर रहे थे, पहले हम लोग एक वेरिएबल बना रहे थे और बाद में उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करवा रहे थे, इनिशियलाइज करवा रहे थे, पहला वैल्यू उसको दिलवा रहे थे। और यहां पे हमने क्या किया कि एक वेरिएबल बनाया और उसी लाइन में उसको कुछ असाइन कर दिया नंबर। जैसे देखो यहां पे हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया जिसका नाम है फाइनल वैल्यू और उसमें स्टोर करा दिया है 50। और इसी तरीके से आप चाहो तो फ्लोट और कैरेक्टर का भी बना सकते हो। जैसे यहां पे हमने किया था, मान लो फ्लोट करना है तो चलो मैं आपको बता ही देता हूं, फ्लोट और इसका कुछ भी नाम दे दो, जैसे नम वन और इक्वल टू 10.5, ये देखो फ्लोटिंग पॉइंट बन गया। उसी तरीके से आप कैरेक्टर वेरिएबल बनाना चाहते हो, कैरेक्टर नेम इक्वल टू और यहाँ पे जेड, ये देखो बन गया। तो ये हो गया, क्या हो गया, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ करना, ठीक है, इसी को बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि दोनों क्यों है, तो देखो जहां पे आपको वैल्यू पता हो वहां पे आप ऐसे यूज कर लो, जहां पे आपको वैल्यू नहीं पता हो लेकिन आपको पता हो कि एक वेरिएबल बनेगा और यूजर देगा डेटा, तो आप क्या करोगे कि आप डिक्लेयर करके छोड़ दोगे और जब यूजर डेटा देगा तो उसको स्टोर करा दोगे, ठीक है, ये भी हम लोग आगे देखेंगे। तो यहां पे हम लोग सीख लेते हैं कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं और उसको डेटा असाइन कैसे करते हैं। अब इसमें एक चीज और देख लेते हैं, यहां पे हमने देखा था कि एक ही लाइन में हमने मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर किया था, तो क्या हम लोग मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करके और उसी के समय उसको इनिशियलाइज भी कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो देखो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखते हैं, मान लो इंटीजर टाइप का दो वेरिएबल बनाना है तो इंटीजर लिखा, एज लिखा इक्वल टू और 20 दे दिया एज। एक और वेरिएबल असाइन करना है और डिक्लेयर करना है तो क्या करेंगे हम लोग, कॉमा देंगे और फिर यहां पे भी लिख देते हैं, मान लो हाइट लिखना है तो हाइट इक्वल टू 150, ठीक है, और उसके बाद दो ही वेरिएबल बनाना था तो सेमी कॉलन से बंद। तो यहां पे हमने क्या किया कि एक ही लाइन में दो वेरिएबल डिक्लेयर भी किया और दो वेरिएबल को इनिशियलाइज भी किया, ठीक है। अब कौन कौन सा वेरिएबल बना, एज और उसके अंदर स्टोर हो गया 20, और दूसरा वेरिएबल बना हाइट और उसके अंदर स्टोर हो गया 150। अब देखो जो हमने प्रोग्राम लिखा है, जितना सिंटेक्स मैंने बताया है वो गलत नहीं है, इसको दिखाने के लिए मैं क्या करता हूं कि इसको एक बार रन कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से जो कमांड है उसको यूज नहीं करेंगे, अब से मैंने आपको ऑटो रन करना सिखा दिया है, तो अब हम लोग सीधा यहां पे क्लिक करेंगे और ये रन हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। और रन हुआ तो देखो कोई भी एरर नहीं आया, यहां पे अगर आप देखोगे तो कोई भी हमारे पास एरर नहीं आया, तो ये बता रहा है कि हमारा जो कोड है वो बिल्कुल सही है।